आज हम आपको बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई वो पांच बातें जो कि सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति में ही पाई जाती हैं। तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपके अंदर ये पांच बातें अवश्य होंगी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ले आएंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियाँ किसी को नहीं बताते। अक्सर हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम अपनी कमजोरियां लोगों को बताते हैं कि मेरे पास ये कमजोरी है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हमें उससे लगता है कि हम अपने आप को महान बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमजोरियां बताने से कोई महान नहीं बनता, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता, बल्कि कमजोरियों पर काम करने से, वर्क करने से ही हम महान बन सकते हैं। तो आपके पास जो भी कमजोरियां हैं उनको बताइए मत, उन पर वर्क करिए, उनको इम्प्रूव करिए, आप अवश्य सफल होंगे। नंबर दो कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अंधा विश्वास नहीं करता, ब्लाइंड नहीं करता। वो इंसान देख परख कर ही विश्वास करता है। पहले देखिए, परखिए, फिर ट्रस्ट करिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम पहले ट्रस्ट करते हैं, फिर देखते हैं, फिर परखते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, दोस्ती हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए। हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद हमें देखते ही भरोसा हो जाता है, परखते तो है ही नहीं। तो पहले आपको परखना भी पड़ेगा, ऐसे ही विश्वास मत करिए। नंबर तीन कि बुद्धिमान व्यक्ति जहरीले सांप, चापलूस नौकर, अवगुणी स्त्री और मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करते। तो अगर आपके पास भी यही चीज है, आदत है कि आप जहरीले सांपों को पाले बैठे हैं, चापलूसों की निगरानी में रहते हैं, अवगुणी स्त्री के साथ रहते हैं, या किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ वाद विवाद करते हैं, तो प्लीज इनके साथ ना रहिए, क्योंकि ये कभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की इंसानियत या कि कहीं निशानी नहीं हो सकती। नंबर चार, बुद्धिमान व्यक्ति अपने विद्या के दम पर दुनिया से सम्मान प्राप्त करता है। वो कभी भी किसी गैर चीज का सहारा नहीं लेता। उसको पता है कि मेरी विद्या ही सबसे बढ़कर है, तो अपनी विद्या के दम पर ही लोगों से सम्मान प्राप्त करता है। नंबर पांच कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहता है, वो कभी भी रुकना नहीं चाहता। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ये समझता है कि अगर मुझे एक जीत मिली है तो अभी कई और जीत बाकी है, एक जीत से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर मैंने समझ लिया कि मैं सफल हो चुका हूं तो मुझको असफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप अपने आप को सफल समझते हैं तो कोई एक नया लक्ष्य प्राप्त करिए। एक लक्ष्य को प्राप्त करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिए, यही जीवन होता है। तो चाणक्य की पांच बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज ऑन कर दीजिएगा।